साउथ सुपरस्टार रजनीकांत बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में अपने अभिनय और अच्छे बिहेवियर के चलते सभी के दिलों पर राज करते हैं। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर में कई सारे हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं उनकी हर एक फिल्म में खूब सारा ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और हमेशा ही उनकी फिल्मों में एक अच्छा मैसेज उनके फैंस के लिए होता है। और एक ऐसी ही फिल्म आई थी साल 2010 में। जी हाँ दोस्तों, साल 2010 में बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट ने उस वक्त कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी साबित हुई थी। तो वहीं अब इस फिल्म के दौरान बॉलीवुड के बच्चन परिवार की बहू यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सुपरस्टार रजनीकांत को लेकर एक मजेदार किस्सा सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है और आप भी रजनीकांत के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कई सुपरस्टार एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है, लेकिन उन्होंने रजनीकांत के साथ न सिर्फ स्क्रीन शेयर की बल्कि उनके साथ फिल्म में रोमांस भी किया। ये देखकर सभी काफी हैरान रह गए थे, लेकिन फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब ज्यादा पसंद किया गया था। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री ने भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। लेकिन अब सुपरस्टार रजनीकांत का एक पुराना इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो फिल्म रोबोट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस करते समय खौफ खा गए थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके दोस्त अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत में गहरी दोस्ती है। उन्होंने अपने वक्त में एक साथ कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और उस वक्त रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के भी सभी दीवाने हुआ करते थे। लेकिन अपने इंटरव्यू में रजनीकांत ने बताया कि मैं और अमिताभ काफी अच्छे दोस्त हैं, हमने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया है। लेकिन जब फिल्म रोबोट में उनकी बहू ऐश्वर्या के साथ मुझे रोमांटिक सीन करने को कहा गया, तब मैं थोड़ा सा डर गया कि जब अमिताभ ये फिल्म देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। वहीं उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो ऐश्वर्या के साथ किसिंग सीन करने में बिल्कुल भी सहज नहीं थे। इस दौरान रजनीकांत ऐश्वर्या की खूबसूरती की तारीफ करने के लिए भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऐश काफी ज्यादा खूबसूरत है, वो खुद को बहुत ही सलीके से रखती हैं। रजनीकांत ने बताया कि ऐश्वर्या बिना मेकअप के ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। फिल्म में एक सीन है जिसमें वो बिना मेकअप के भी नजर आई थी। वेल आपको बता दें कि फिल्म एथेरन 2010 में रिलीज हुई थी, जिसे एस शंकर ने डायरेक्ट किया था। ये एथेरन फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। लीड रोल में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय के अलावा डैनी डेंजोंगपा भी थे। तो दोस्तों, रजनीकांत और ऐश्वर्या की फिल्म रोबोट में आपको उनकी केमिस्ट्री कितनी ज्यादा पसंद आई थी और आपका सुपरस्टार रजनीकांत के इस खुलासे के बारे में क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।